ये स्वाभाविक, जिनके मन में जो जो शंका आती है, कुछ विषय ध्यान में आई थी, छह सेंटर की कुछ गड़बड़ियां ध्यान में थी, ग्रेस मार्क उनका समय कम मिलने के अभाव में जो एक फॉर्मूला को यूज करते हुए ग्रेस मार्क दिया गया उसमें भी कुछ आपत्ति आई, उसको भी सुधारा गया। उनको पुनः परीक्षा देने की अनुमति सुप्रीम कोर्ट ने कल ही दे दिया है। इन दिनों में नीट को लेके 41 पेटिशन पड़ी है। मैं सरकार की ओर से सारा विद्यार्थियों को आश्वस्त करता हूं, पारदर्शी तरीका अपनाई जाएगी। कांग्रेस पार्टी इस देश में भ्रम फैलाने के लिए जिम्मेवारी ले लिया है। एक जगह पे छह की आई थी जिसके समाधान सुप्रीम कोर्ट के आदेश के हिसाब से हो गया है, बाकी एक दो जगह की समस्या सामने अखबारों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से आई है। तो देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू ईटी नाउ।